बिग बॉस 18 का आज का एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में होने वाला है नॉमिनेशन टास्क। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस नॉमिनेशन टास्क की जो कंट्रोलर बनी है वो बनी है नन अदर देन आवर श्रुतिका। अब श्रुतिका को लेकर भाई इतना एक्साइटेड और इतना ज़्यादा खुश क्यों हूँ मैं, क्योंकि कल के एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो श्रुतिका ने काफ़ी स्मार्टली टॉन्ट मारा ईशा और एलिस को कि भाई यहाँ पर हर तरफ कैमरे हैं तो इसलिए खाना शेयर मत करना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एलिस और ईशा जो विनाश के दोस्त हैं और वो जाके विनाश को बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे ये बंदा है अपना खाना इस बंदे के साथ शेयर कर रहा था। और इसी वजह से आज के एपिसोड में जो पूरा नॉमिनेशन का टास्क है वो किस तरीके से श्रुतिका मैनेज करेगी, हैंडल करेगी, वो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी के साथ साथ श्रुतिका वर्सेस अविनाश भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इस श्रुतिका वर्सेस अविनाश में सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि अविनाश बार बार एक बात को कह रहा था श्रुतिका के लिए कि डर के रहना, अब डर के रहना घर के अंदर, घर के अंदर डर के रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर नेशनल टेलीविज़न के ऊपर अविनाश का ये बोलना कि डर के रहना पड़ेगा, इससे क्या मतलब निकलता है ये हर कोई जानना चाहता है। क्यों अविनाश ने श्रुतिका को ये बात बोली कि डर के रहना पड़ेगा, अब घर के अंदर डर के रहना क्यों? क्या उसने कुछ ऐसा कहा है या उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसको डरना चाहिए? और अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो क्यों अविनाश बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहा था इस लड़ाई में कि श्रुतिका डर के रही हो, डर के रहना पड़ेगा तुझे घर के अंदर? वेल, अभी तो आज के एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है अविनाश का ये जो एक ओवर एग्रेशन वाला एक तरीका है हर चीज़ को इस तरीके से दिखाना कि ओ भाई साहब मैं हूँ, बाकी तो कोई और है ही नहीं, इसके ऊपर आपका क्या कहना? और इसी तरीके से हर एक अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।